मॉर्निंग बेटा, हम लोग अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे। अब बेटा हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 पर हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू प्लेसेस डेसिमल। 3 का स्क्वायर रूट निकालना है और उसे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। 3 सिंगल नंबर है तो कोई नंबर तो है नहीं जो पेयर बनाएंगे, तो 1 बन जा 1। क्यों? क्योंकि 2 टू जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बन जा, सब्ट्रैक्ट करा बचा 2। इस 1 और इस 1 को जोड़ेंगे, हो गया 2। अब आप देख रहे हो कोई डिजिट है ही नहीं उतारने के लिए, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और एक पेयर नीचे बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 का टेबल देखेंगे कितनी बार जाएगा। वैसे तो 2 9 18 जा सकता है, लेकिन जब हम 9 पीछे लगा के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 200 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए ये नंबर जाएगा आपका 7। 2 के पीछे 7 लगाएंगे, 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7 7 जा 49 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 गया बचा 1, 9 में से 8 गया बचा 1, 1 में से 1 गया 0। अब डेसिमल ऑलरेडी लगा है इसलिए आप 2 0 बढ़ा सकते हैं। इसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, 7 प्लस 7 इज 14 का 4 कैरी 1, 2 प्लस 1 इज 3। नाउ अब फिर देखेंगे कितनी बार जाएगा, ये 3 3 जा 11 है तो 3 3 जा 9 जाएगा। 3 इसके पीछे लिखेंगे, 3 बार ये जा रहा है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जो 12 का 2 कैरी 1, 3 3 9 1 10। अब सब्ट्रैक करेंगे, 1 कैरी करेंगे 10, 9 गया बचा 1, 9 में से 2 गया बचा 7। अब 2 डिजिट निकल चुकी हैं, जब हमें 2 प्लेसेस लिखने हैं तो हम 3 डिजिट निकालेंगे, फिर राउंड अप करके लिखेंगे, इसे ऐड करके यहाँ लिख देंगे, 3 प्लस 3 6 4 3। अब डेसिमल लगा हुआ है, 2 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6 होता है तो ये जाएगा 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 over 9, 2 3 जा 6। 10 में से 4 गया 6, 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ रह गया 0, 10 में से 9 गया 1। अब हमें क्वेश्चन आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब 1.732 आया है, हम चेक करेंगे थर्ड डिजिट को, ये 2 है, 5 से छोटी है, तो हम इस डिजिट को छोड़ देंगे और आंसर हो गया हमारा 1.73। क्लियर हो गई बात। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो इसका मान हम इसमें जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बेटा इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सेकंड पार्ट है √5। अब आपके पास यहाँ है 5, सिंगल नंबर है। अब 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, आपका जो टेबल जा रहा है वो 2 2 जा 4 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचा 1, पॉइंट लगाकर 2 0 बढ़ा सकते हैं, 2 प्लस 2 4 यहाँ आ जाए। अब 4 2 जा 8 होता है तो ये 2 जा 1 जा रहा है, 2 पीछे लगाएंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, 2 3 जा 4, 2 4 जा 8, 10 में से 4 गया बचा 6,
यहाँ रह गया 9, 8 गया बचा 1। पॉइंट ऑलरेडी लगा है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इसे ऐड करेंगे, 2 + 2 = 4। आप देखेंगे कितनी बार जा सकता है, ठीक है। अब हम 4 3 12 होता है और 4 4 16, बट ये 4 बड़ा हो जाएगा, ये जाएगा 3। 3 से 3 पीछे लिखा, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 3 9, 3 4 12 का 2 carry 1, 3 4 12 और 1 30। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, एंड यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। अब पॉइंट लगा हुआ है, इसे 2 0 आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, इसे ऐड करेंगे, 3 + 3 = 6, 4 4। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कितनी बार जा रहा है, ठीक है। अब ये जाएगा बेटा 6 बार, 6 पीछे लिखेंगे, 6 बार जाएगा और 6 से ही इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। जब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस वन, देखिए 6 6 36 का 6 carry 3, 6 6 36 + 3 39 का 9 carry 3, 6 4 24 + 3 27 का 7 carry 2, 6 4 24 + 2 = 26। सबट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट दिस। अब आपका आंसर ये आया है, ये वाले थर्ड डिजिट 5 से मोर देन है, इसलिए इसका 1 इसमें जोड़ देंगे, सो योर आंसर विल बी 2.24। 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4, चूंकि इसको हटा देंगे और 1 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है। जब हम राउंड अप करते हैं और डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसके पहले वाले नंबर में 1 को प्लस कर देते हैं और उसे हटा देते हैं। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, अब आपका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, आपको 17 का स्क्वायर रूट निकालना है, निकालते हैं देखिए। एक पे बन रहा है, 3 3 9 होता है और 4 4 16, तो ये कितना जाएगा, 4 4 16। सबट्रैक्ट करा बचा 4 + 4 = 8। डेसिमल लगा के 2 0 हम बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जा रहा है, 1 जा बार, 1 पीछे लगाएंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 10 में से 1 क्या बचा 9, 9 में से 8 क्या बचा 1। अब डेसिमल लगा है, 2 0 बढ़ा सकते हैं, 1 + 1 = 8। अब ये जाएगा 2 जा, 8 2 जा 16 होता है, 2 बाइए चला जाएगा, 2 पीछे लिखा, 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 1 कैरी करा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2। क्लियर होगी बात, आप डेसिमल लगा है इसलिए 2 0 बढ़ा सकते हैं, इसको ऐड करके लिखेंगे, 2 + 2 = 4, 2 8। आप देखेंगे कि ये कितनी बार जा रहा है, 8 3 = 24 होता है, तो ये जा रहा है आपका 3 बार, 3 पीछे लिखेंगे, 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, 3 4 = 12 का 2 carry 1, 3 2 = 6 और 1 7, 3 8 = 24। 10 में से 9 गया बचा 1, 9 में से 2 गया बचा 7, यहाँ रह गया 5, 1 कैरी करेंगे 15, 15 में से 7 गया बचा 8। अब ये नंबर भी 5 से छोटा है, सो इसका आंसर हो जाएगा 4.12। इसका
नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है 23 का, ठीक है। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है 23 का, देखिए क्या करेंगे। अब 4 जा 16, 5 जा 25, तो ये जा रहा है 4 जा 16, सबट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 6 क्या बचा, 7, 1 में से 1 क्या बचा, 6, डेसिमल लगा के 2 जीरो आके बढ़ा देंगे, 4 प्लस 4 इज 8। अब देखेंगे कितनी बार जा रहा है, ये बेटा जाएगा 7 जा, 7 पीछे देखेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 8 जा 56 प्लस 4 इज 62, 10 में से 9 गया 1 एंड 9 में से 0 गया 9, डेसिमल लगा है इसलिए 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। इसे ऐड करेंगे, 7 7 14 का 4 कैरी 1, 1 प्लस 9 8 इज 9। अब कितनी बार जाएगा चेक करेंगे, ये बेटा 9 जा रहा है, 9 पीछे लगाएंगे, 9 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8 और 9 4 जा 36, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आएगा 854। देखिए कैसे करेंगे, 9 9 जा 81 का 1 आएगा कैरी आएगा 8, 9 4 जा 36, 36 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 44, 44 का 4 कैरी 4 हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 4 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 85। सबट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ रह गया 0, 1 कैरी करेंगे तो गया 10 में से 5 गया 5, डेसिमल लगाए 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। फिर इसे ऐड करके लिखेंगे, 9 9 18 का 8 कैरी 1, 4 और 1 5 9, 9 5 जा 45 हो जाए, ये 9 5 जा जाएगा, 5 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 4 7 9 2 5 और सबट्रैक्ट करने पे बचेगा 7 9 7 5। आंसर आया ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो 1 1 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4.80। ये आपका हो गया रूट 23 का आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब नंबर आपको दिया है बेटे फ्रैक्शन में, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको दिया है 4/7। तो पहला काम होगा कि हम इसे क्या करें, इसे हम पहले डिवाइड करके निकालें, ठीक है। इसे हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए डिवाइड करने पे क्या होगा, 7 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, डिवीजन जाएगा नहीं, डेसिमल लगा के 1 जीरो बढ़ा देंगे, 7 5 जा 35, 10 में से 5 किया बचा 5, डेसिमल लगा है 1 जीरो बढ़ा देंगे, 7 7 जा 49 बचा 1, डेसिमल लगा है 1 जीरो लगता है डिवीजन में आपको पता है, 7 1 जा 7 बचा 3, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं हम, 7 4 जा 28 बचा आपके पास 2, 1 जीरो बढ़ाया,
फिर आपके पास जाएगा 7 2 14 बचा 6, 8 0 बढ़ाया आपने, 7 8 56, ये आपका बढ़ता जा रहा है। आपको क्योंकि दो डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो हम 3 तक लेंगे, तो हम 3 पेयर ले रहे हैं, 1 पेयर 2 3, ठीक है। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस निकालेंगे और हम उसे राउंड अप के 2 में लिखेंगे, तो हमने 3 पेयर तक इसका डिवीजन कर लिया। तो इसे सॉल्व करके आया हमारा 0.571428, ये इसका डिवाइड करके आया। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है कि इसका 4/7, मीनिंग इज हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू ये आई है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट, मीनिंग इज हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड में पेयर बनते हैं, ये बात मुझे आपको पता है। आप क्या करेंगे, निकालते हैं हम 57 है। पहली बात तो हम डायरेक्ट पॉइंट का नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, स्लैम डेसिमल लगाएंगे। हमें पता है 8 8 64 होता है और 7 7 49, तो 8 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 7 49। 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे, गेटिंग 8। दूसरा पेयर हम नीचे उतारेंगे, 7 + 7 = 14, अब ये जाएगा बेटा 5 जा, 5 पीछे लिखेंगे और इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 5 = 25 का 5 carry 2, 5 4 = 20 और 2 22 का 2 carry 2, 5 1 = 5 और 2 7, 14 में से 5 किया बचा 9, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया बचा, एक मिनट, ये 1 14 1 carry था 14 में से 5 किया था बेटा, तो यहाँ रह गया 0, 1 कैरी करेंगे तो रह जाएगा 10, 10 में से 2 किया बचा 8। नेक्स्ट पेयर को आप उतारेंगे, इसे ऐड करके लिखेंगे 10 carry 1 1 50, आप बेटेगे 5 जब आप फिर से जा रहे 5 5 = 25 का 5 carry 2, 5 0 = 0 + 2 = 25 भी आ जाएगा, 5 5 = 25 का 5 carry 2, 5 1 = 5 + 2 = 7, सबट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 5 किया 3, 2 में से 2 किया 0, 9 में से 5 किया 4, 8 में से 7 किया 1। अब हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब ये क्या आ रहा है हमारा 5, तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.76, दैट विल बी आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका है बेटा सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपके पास है 13/11, तो पहला काम होगा हमारा कि हम 11 से 13 को डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, बचा 2, जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और 1 0 बढ़ा देंगे, 11 1 जा 11, बचा 9, पॉइंट लगाए 1 0 बढ़ा देंगे, 8 जा 88, बचा 2, पॉइंट लगा है 1 0 बढ़ा देंगे, 11 1 जा 11, फिर 9 बचा 1 0 लगाएंगे, फिर 8 जा 88, 2 बचा, पॉइंट लगा 1 0 बढ़ा देंगे, 11 1 जा, ये ऐसे जाता रहेगा। बट हमें कितने पेयर चाहिए, 3, तो हम क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1.18
हम कितने पेयर ले लेंगे? हम इसके ले लेंगे 3 पेयर, 1, 2 और 3, ये हमारा सिंगल पेयर होगा। यानी ये तो हमारा कंटिन्यू होता जाएगा, तो हम इसको पढ़ाएंगे तो ये ऐसे हमारा आता जाएगा, कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका, 1.181818, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये हमारा सिंगल, 1 1 जा 1, बचा 0। आप डेसिमल का नंबर उतार रहे हैं तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा डेसिमल, 1 + 1 = 2। अब देखिए ये 1 जा भी नहीं जा रहा, अगर 1 लगाएंगे तो यहाँ 21 होना चाहिए था, ये तो छोटा है। तो जब हम दूसरा पेयर उतारेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लगाना पड़ेगा हमें 0, 1 0 यहाँ लगाएंगे तो 1 0 यहाँ पे भी लगाएंगे। अब ये जाएगा 8 जवाब, 8 पीछे लिखेंगे, 8 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16, सब टेक करते हैं, 8 में से 4 गया बचा 4, 11 में से 6 गया बचा 5, 7 में से 6 गया बचा 1। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे बेटे, इसे ऐड करके लिखेंगे, 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 0 + 1 = 1 and 2। अब बेटा जा रहा है ये 7 जवाह, 2 7 जा 14 होता है, 7 जवाह जाएगा, 7 पीछे लिखेंगे और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 6 जा 42 + 4 is 46 का 6 कैरी 4, 7 + 7 + 4 is 11 का 1 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से 9 गया 9, यहाँ रह गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह गया 3, में से 1 गया 2। नाउ यू आर गेटिंग दिस, अब ये भी 5 से बड़ा है इसलिए इसका 1 इसमें जुड़ेगा, सो इसका आंसर आ जाएगा 1.09, दैट विल बी आंसर। ठीक है बेटे, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, देखिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट इसका है थर्ड पार्ट, 10 whole number 2/9। क्या करेंगे, पहले बेटे इसका सिंपल फ्रैक्शन लिखेंगे, 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 90 + 2/9, 92/9। अब क्या करेंगे, हम 9 से 92 को बेटे डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 9 1 जा 9, उतारा 0। नंबर को उतारने पे अगर नहीं जाता है तो क्या करते हैं, 0 बार जाएगा और यहाँ रह गया 2, ये आपने उतारा था, जो फिर से समझ लीजिए 92 था, 9 1 जा 9, उतारा 2, उतारने पे 9 से डिवाइड नहीं होगा तो आप 0 लगाएंगे, यानी आपका आंसर जा रहा है 0 बार, बचा 2। आप डेसिमल लगा के 1 0 बढ़ा सकते हैं, 9 2 जा 18, 2 बचा फिर 0, 9 2 जा 18, आप देख रहे हैं हर बार 2 बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब आपका 2 2 2 ऐसे आता जाए। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं इसका, तो ये हुआ आपका 92/9 और इसका डेसिमल होगा 10.22, 8 पेयर 22, हमें 3 पेयर चाहिए।